रफ्तार न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करें उत्तर प्रदेश के बागपत के वार्ड नंबर 9 जिला पंचायत प्रत्याशी राहुल अंबेडकर ने किया पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी जनसभा। जनपद बागपत में वार्ड नंबर 9 के जिला पंचायत प्रत्याशी राहुल अंबेडकर ने अपनी पहली जनसभा की ओर जनसभा को संबोधित करते हुए बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान के लिए, युवाओं के लिए मैदान की व्यवस्था, नवीकरण का वह तालाब, अन्य समस्याओं को निवारण करने के लिए एक बड़ी जनसभा की और विश्वास दिलाया कि बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था, तालाब और निर्माण सड़कें व अन्य कार्यों को कराया जाएगा। सुनिए। क्या नाम है जी तुम्हारा? मेरा नाम राहुल कुमार है। कहाँ के रहने वाले हो? मेरा गांव सादिकपुर सिनोली है। जो कल जिला पंचायत के फॉर्म भरे जाएंगे तो इसमें आपकी क्या तैयारी है, क्या चाहते हो आप? जी मेरी तैयारी तो सबसे पहले ये है कि सबसे पहले मैं पढ़े जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके मान सम्मान के लिए, जो मेरे युवा साथी हैं उनके मान सम्मान के लिए, इस रणभूमि में जो मेरा पहला कदम होगा वो मेरे बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान होगा। जिस तरह क्षेत्र में कुछ कार्य जैसे तालाबों का विकास, नहरीकरण, खड़ंजे इत्यादि कार्य, जैसे बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था कराना और अन्य कार्य है क्षेत्र पंचायत के, जो आने वाले उम्मीदवार जनता को नहीं दे पाते, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि आने वाले टाइम में और इस चुनाव में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बच्चों को ग्राउंड मिले, खेलने की व्यवस्था मिले, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको पेंशन मिले और जो सरकार की तरफ से कोटा आता है समय पर उनको कोटा मिले, और जितना भी गरीब तबका समाज है उनकी सहायता के लिए 24 घंटे दिन रात सेवा में उपलब्ध रहूँगा।